Welcome to the show, The Tales of Movies. आज हम इस एपिसोड में अमेरिकन वेस्टर्न हॉरर फिल्म From Dusk Till Dawn 3, The Hangman's Daughter को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को पीजे पैस ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 18 जनवरी सन 2000 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म From Dusk Till Dawn का प्रीक्वल है और ये सीरीज का आखिरी भाग है। और अगर आपने इसके पहले और दूसरे पार्ट को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत 1913 के मेक्सिको से शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक अमेरिकी लेखक जिसका नाम एम्ब्रोस पियर्स है, उसे पंचोविला के लोगों द्वारा गोली मार दी जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक सपना था और एम्ब्रोस इस सपने से काफी घबराया हुआ था। वो बार जा विस्की लेता है, तभी बारटेंडर के पूछने पर कि क्या वो यहाँ फांसी देखने आया है, तभी उसको एम्ब्रोस कहता है कि नहीं, मैं यहाँ किसी और मकसद से आया हूँ। दरअसल उस जगह पर सार्वजनिक रूप से किसी की फांसी की तैयारी की जा रही थी। तभी एम्ब्रोस उस बारटेंडर को पंचोविला के क्रांतिकारी सेना में शामिल होने के अपने इरादे के बारे में बताता है। तभी एक व्यक्ति दूर खड़े हो उनकी सारी बातों पर ध्यान दे रहा होता है। तभी वो बारटेंडर एम्ब्रोस को बताता है कि वो लोग यहाँ से ईस्ट साइड ग्यारह नेग्रा में है, जो यहाँ से काफी दूर है और आपका वहाँ तक अकेला जाना ठीक नहीं है। वो एक पक्की की तरफ इशारा कर बताता है कि ये पक्की वहाँ तक जा रही है और आप उस पक्की से वहाँ तक जा सकते हैं। एम्ब्रोस उस पक्की में जाता है जहाँ उसे एक नवविवाहित जोड़ी मिलती है जिसका नाम जॉन न्यूलाई और मैरी न्यूलाई होता है। ये लोग ईसाई धर्म के प्रचार के लिए मेक्सिको की तरफ निकले हुए थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ का स्थानीय खतरनाक डाकू जिसका नाम जॉनी मैड्रिड होता है, उसे ही फांसी के लिए लाया जाता है। वहीं हैंगमैन जिसका नाम मोरिसियो है, वो जैसे उसे फांसी पर लटकाने वाला होता है, उसकी बेटी जिसका नाम एस्मेराल्डा होता है उसे ऐसा करने से मना करती है, पर वो एस्मेराल्डा की बात नहीं मानता और उसे भी चाबुक से मारता है। वहीं जैसे ही मोरिसियो जॉनी को फांसी पर लटकाने वाला होता है, तभी एक आदमी उसकी रस्सी पर गोली मार उसे आजाद कर देता है और जॉनी और मोरिसियो के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है और गोलीबारी से बचते हुए जॉनी एक घोड़े पर चढ़ जाता है और स्मेराल्डा को ले वहाँ से निकल जाता है। इस बात से मोरिसियो बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने साथियों से और घोड़े लाने को कहता है। उधर रास्ते में वो कपल एम्ब्रोस को अपना परिचय देते हैं और ईसाई धर्म पर विश्वास करने को कहते हैं, पर तभी एम्ब्रोस खुद को नास्तिक बताता है और उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। वहीं जॉनी एस्मेराल्डा को ले अपनी खुफिया जगह पर पहुंच जाता है और वो उसे वापस अपने घर जाने को कहता है, जिस पर एस्मेराल्डा उसे कहती है कि वो अपने पिता के पास वापस नहीं जाएगी। वो उसे बताती है उसकी माँ उसे जन्म देते ही मर गई, जिस वजह से उसके पिता उसे नफरत करते हैं। अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए या तो उसे मार दे या फिर अपने साथ ले ले। तभी जॉनी उसे कहता है कि वो उसके साथ ग्यारह नेग्रा तक चल सकती है और वहाँ पर वो उसे अपने एक जानने वाले के पास छोड़ देगा जहाँ वो अपनी जिंदगी बिता सकती है। तभी हम देखते हैं कि एक घुड़सवार जॉनी के इलाके में आता है और जॉनी के लोग उसे पकड़ जॉनी के पास ले आते हैं और तभी हम सबको पता चलता है कि एक घुड़सवार एक औरत है जिसका नाम कैथरीन रीस है। कैथरीन जॉनी को बताती है कि वो उससे काफी प्रभावित है और वो उसी की तरह एक महान डाकू बनना चाहती है और वो जॉनी को ये भी बताती है कि उसी ने उसकी फांसी की रस्सी पर गोली चलाकर उसकी भागने में मदद की थी। तभी जॉनी कैथरीन से कुछ ऐसा करने को कहता है जिससे वो उस पर भरोसा कर उसे अपने गिरोह में शामिल कर ले। तभी कैथरीन उसे बताती है कि एक एम्ब्रोस पियर्स नाम का बूढ़ा आदमी पंचोविला के लिए कुछ मूल्यवान चीज जैसे बंदूक या सोना लेकर इसी रास्ते से जाने वाला है। तभी जॉनी कैथरीन से कहता है कि अगर ये बात झूठ निकली तो वो उसे मार देगा और वो लोग उस पक्की का इंतजार करने लगते हैं। उधर मोरिसियो भी अपने दल के साथ जॉनी की खोज के लिए निकल पड़ा था। वही पक्की में बैठे बैठे एम्ब्रोस को फिर से एक सपना आता है जिसमें उसे पंचोविला द्वारा गोली मार दी जाती है और वो उस सपने में वैम्पायर्स और क्रॉस के साथ साथ खुद को भी एक वैम्पायर के रूप में देखता है। और जैसे ही एम्ब्रोस की आंखें खुलती हैं, जॉनी के आदमी उसके पक्की पर हमला कर देते हैं। वहीं पक्की के चालक और जॉनी के लोगों के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है जिसमें जॉनी के कुछ साथी मारे जाते हैं, लेकिन तभी जॉनी उन दोनों चालकों को जान से मार देता है। वो लोग पक्की रोक जॉन और मैरी के सामानों को लूट लेते हैं मगर उन्हें एम्ब्रोस के पास कुछ भी नहीं मिलता।
तभी एम्ब्रोस जॉनी को बताता है कि वो पंचोविला में एक सैनिक के रूप में शामिल होने जा रहा है। वहीं जॉनी भी पंचोविला के क्रांतिकारी लोगों का सम्मान करता था, इसलिए वो जॉनी और उन लोगों को छोड़ देता है। वहीं कैथरीन के झूठ और क्रूर स्वभाव से नाराज जॉनी कैथरीन को रेगिस्तान में कब्रिस्तान में लटकाकर छोड़ देता है, मगर ये सब एस्मेरेल्डा को सही नहीं लगता और वो घोड़े पर बैठ वहाँ से भाग जाती है। तभी जॉनी भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। जॉनी उसे समझाता है और उससे इस सब के लिए माफी मांगता है। दरअसल जॉनी को एस्मेरेल्डा से भी प्यार हो गया था और वो दोनों अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी पक्की का पहिया भी अटक जाता है। तभी वो तीनों रात बिताने के लिए आसपास जगह ढूंढने लगते हैं और वो पहुंच जाते हैं टाइटी ट्विस्टर नाम के इकलौते सराय में। ये सराय पूरा खाली था और अंदर उन्हें एक बार टेंडर मिलता है जिसका नाम रेजर चार्ली होता है। जॉन और मैरी उससे एक कमरे की डिमांड करते हैं जिस पर वो उन्हें थोड़ा इंतजार करने को कहता है और उन्हें ड्रिंक भी ऑफर करता है। तभी अचानक से उस सराय में रोशनी से फैल जाती है और कई सारे बार डांसर्स वहाँ आने लगती हैं और जैसे जैसे शाम होती जा रही थी लोगों की भीड़ उस सराय में बढ़ती जा रही थी। तभी वहाँ कैक्सला नाम की एक औरत आती है और मैरी और जॉन को अपना परिचय देती है। वहीं जॉन उसको देख मंत्रमुग्ध हो जाता है, जो मैरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उन दोनों को उनके रूम तक ले जाती है। वहीं ये सराय भी दिखने में काफी अजीब सा था और यहाँ पर बार के साथ साथ प्रोस्टिट्यूशन का भी काम होता था। और वहीं यहाँ हम जॉनी के साथ ही जॉकिन और एराज्मो को भी देखते हैं, जो जॉनी के आने से पहले ही इस सराय में पहुंच चुके थे। कैक्सला दोनों को उनके रूम में छोड़ चली जाती है और मैरी जॉन से नाराज हो जाती है क्योंकि वो कैक्सला की तरफ अट्रैक्ट हो गया था और वो नाराज हो उसे अपने पास नहीं आने देती और अपने लिए पानी लाने के लिए कहती है। वहीं जॉन जब पानी लेने के लिए बाहर जाता है तभी उसे वहाँ कैक्सला मिलती है और कैक्सला उसे सम्मोहित कर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। और जब जॉन बाहर पानी लेने के लिए बाहर आता है तो वो बहुत ही खुश होता है और ड्रिंक करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मोरोसियो अपने लोगों के साथ जॉन को ढूंढ रहा होता है और वो पहुंच जाता है उसी रेगिस्तान कब्रगाह पर जहाँ जॉन ने कैथरीन को छोड़ दिया था। तभी मोरोसियो का एक साथी उसे बताता है कि शाम होने की वजह से वो दोनों ज्यादा दूर तक का सफर तय नहीं कर सकते, उन्हें कहीं ना कहीं रुकना ही पड़ेगा और इस पूरे रेगिस्तान में रुकने के लिए केवल एक ही जगह है। तभी मोरोसियो कैथरीन को आजाद कर उसे भी अपने साथ ले लेता है और उस सराय की तरफ निकल पड़ता है। इधर जॉनी भी एस्मेरेल्डा को ले उस सराय में पहुंच जाता है और एक आदमी उनका घोड़ा ले अस्तबल की तरफ निकल जाता है। तभी उस सराय को देख एस्मेरेल्डा को बहुत अजीब सा लगता है और वो जॉनी को यहाँ से कहीं और चलने को कहती है, मगर जॉनी उसे अंदर जाने के लिए कहता है और खुद अपना घोड़ा देखने के लिए अस्तबल की तरफ जाता है। वहीं अंदर पहुंच एस्मेरेल्डा को कैक्सला मिलती है और वो उसके जख्मों को देख उसे पूछती है कि उसे किसने मारा है, जिस पर एस्मेरेल्डा अपने पिता का नाम लेती है। तभी कैक्सला उसके जख्मों में लगे खून को चखती है और चखते ही वो बहुत अजीब सा रिएक्ट करती है और वो कहती है कि तुम सबसे अलग हो एस्मेरेल्डा। वहीं इस बात को सुन एस्मेरेल्डा बहुत हैरान हो जाती है कि उसे उसका नाम कैसे पता। तभी कैक्सला उसे इमोशनल करती है और अपने साथ अंदर ले जाती है। वहीं बाहर जॉनी अपने घोड़े को ढूंढता हुआ एक अस्तबल के अंदर जाता है। तभी वो देखता है कि वो आदमी उसके घोड़े का खून पी रहा है और वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक पिशाच है। वहीं वो जैसे ही कुछ कर पाता जॉनी उसे गोली मार देता है और वो बार के अंदर जा एस्मेरेल्डा को ढूंढने लगता है। उधर मैरी की नींद खुलती है और वो जॉन को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ जॉनी का साथी जॉकिन वहाँ आता है और वो मैरी को पकड़ लेता है। वहीं जॉन की नजर जॉनी के दूसरे साथी एरेस्मो पर पड़ती है, जो उसकी वाइफ का वेडिंग ड्रेस एक पार्ट डांसर को पहनाकर लेकर आता है और नशे में चूर जॉनी ये देख बहुत गुस्से में आ जाता है और जैसे ही एरेस्मो ड्रिंक लेने आता है जॉन उस पर हमला कर देता है और वो लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। उधर कैक्सला एस्मेरेल्डा को तैयार करती है। तभी वहाँ जॉनी पहुँचता है और वो एस्मेरेल्डा को ले जाने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि कैक्सला मिरर पर दिखाई नहीं देती, वो जॉनी को रोकती है मगर जॉनी उसे गोली मार एस्मेरेल्डा को बाहर ले जाता है। उधर बार में दोनों एरेस्मो लड़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ जॉकिन आता है और वो मैरी को मारने की धमकी देता है, पर नशे में तो जॉन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और एरेस्मो को चाकू मार वो उसे जान से मार देता है।
और फिर चोर और चौकन में भी झड़प हो जाती है। तभी टेबल पर पड़ा खून देख वहाँ खड़ी बार डांसर्स और बारटेंडर अजीब सा रिएक्ट करने लगते हैं और वो टेबल पर पड़ा खून पीने लगते हैं। तभी जॉनी भी एस्मेरल्डा को ले बार में आता है। तभी मॉरिसियो भी अपने लोग और बंदी बनाए हुई कैथरीन के साथ उसी बार में पहुंच जाता है और वहीं जॉनी और एस्मेरल्डा को एक साथ देख बहुत गुस्से में आ जाता है और उनके बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। तभी हवा में उड़ते हुए कैक्सला भी बाहर आती है और अब वो पूरी तरीके से एक पिशाच के रूप में थी। वो मॉरिसियो से कहती है कि मुझे पता था कि तुम एक दिन जरूर वापस आओगे, तुम्हारी बेटी बहुत ही सुंदर है और वो हमारी तरह दिखती है। तभी ये सुन मॉरिसियो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में आ कैक्सला को गोलियों से भून देता है। तभी ये देख वो बारटेंडर भी अपने पिशाची रूप में आ जाता है और मेन डोर को बंद कर देता है। तभी वहाँ खड़ी सारी बार डांसर्स भी पिशाच में बदल जाती है और लोगों को मारना शुरू कर देती है और सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने लगते हैं। वहीं कुछ लोग इन वैम्पायर्स का सामना भी करते हैं। वहीं जॉन और मैरी भी बच निकलने की कोशिश करते हैं पर कई वैम्पायर्स उन दोनों को घेर लेते हैं। जॉन उनसे लड़ता है और उन्हें चला देता है मगर दूसरी ओर एक वैम्पायर मैरी को अपने वश में कर लेता है और उसे अपने वश में कर उसे भी काट लेता है। वहीं जॉन ये देख रोने लगता है। इसी बीच कैथरीन को एक तहखाने का दरवाजा दिखता है और वो बाकी लोगों को आवाज लगा तहखाने में जाने को बुलाती है, जिसमें बचे लोग उन वैम्पायर से बचते हुए उस तहखाने के अंदर आ जाते हैं। मगर तहखाने में भी जॉकिन जॉन से और मॉरिसियो जॉनी से झगड़ने लगता है। तभी एम्ब्रोस उन्हें रोकता है। तभी वैम्पायर तहखाने का दरवाजा तोड़ देते हैं और वो लोग तहखाने के और अंदर भागते हैं। वो वैम्पायर्स बैट में बदल उन्हें मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग उन वैम्पायर्स को भी मार देते हैं और आगे की तरफ भागने लगते हैं। उधर कैक्सला जो गोली लगने से मर गई थी वापस से जिंदा हो जाती है, जो एज़रा नामक वैम्पायर के पास जा उसे एस्मेरल्डा का खून चखाती है। तभी वो खून चख एज़रा कहता है कि ये वही है जिसका हमें सदियों से इंतजार था। तभी कैक्सला सारे वैम्पायर्स को किसी को चखाने के लिए कहती है। उधर तहखाने में आगे बढ़ते बढ़ते जॉन को मैरी की आवाज आती है और मैरी जॉन के पास आती है मगर अब मैरी एक वैम्पायर में बदल चुकी थी। वो जॉन को मारने की कोशिश करती है पर जॉन अपने आप को छुड़ा मैरी को जान से मार देता है पर मैरी मरते मरते एस्मेरल्डा को प्रिंसेस कहकर पुकारती है। तभी जॉनी सबसे पूछता है क्या किसी और को भी वैम्पायर ने काटा है, जिसमें सब ना कहते हैं। पर तभी जॉकिन को याद आता है कि एक वैम्पायर ने उसे काटा था पर वो ये सच किसी को भी नहीं बताता और वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं आगे पहुंचकर उन्हें दो रास्ते मिलते हैं जिस पर जॉनी और मॉरिसियो के बीच बहस हो जाती है। तभी एम्ब्रोस उन्हें रोकता है और दो गुटों में आगे बढ़ने को कहता है ताकि जिसकी किस्मत भी होगी वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। वो लोग दो गुटों में बढ़ जाते हैं जिसमें से एक गुट में जॉनी, जॉन, एस्मेरल्डा और जॉकिन एक साथ होते हैं। वही थोड़ी ही देर में जॉकिन वैम्पायर में बदल जाता है और जॉन को काट लेता है। वही जैसे ही वो जॉनी पर हमला कर पाता जॉनी उसे जान से मार देता है। तभी जॉन जॉनी से कहता है कि इससे पहले कि वो भी वैम्पायर बन जाए वो उसे मार दे। ना चाहते हुए भी जॉनी जॉन को जान से मार देता है। वही जैसे ही वो लोग और आगे बढ़ते हैं उन्हें एम्ब्रोस कैथरीन और मॉरिसियो मिल जाते हैं। तभी उन्हें आवाजें आती हैं जिसमें वो लोग एस्मेरल्डा को राजकुमारी कहकर पुकारते हैं। तभी एस्मेरल्डा मॉरिसियो से पूछती है कि मैं कौन हूँ और इन्हें मुझसे क्या चाहिए, वो मुझे राजकुमारी क्यों कह रहे हैं। पर तभी कैक्सला अपने वैम्पायर साथियों के साथ वहाँ आ जाती है और उन सारे लोगों को पकड़ लेती है। कैक्सला ग्रैंड मदर वैम्पायर को जगाती है और वो एस्मेरल्डा को सम्मोहित कर अपने पास बुला लेती है। तभी कैक्सला उसे बताती है कि ये तुम्हारी दादी है और सारे वैम्पायर्स को आदेश देती है कि इन सभी लोगों को बलिदान के लिए तैयार करो। वहीं वो लोग उन्हें उल्टा लटका देते हैं और एस्मेरल्डा की ताजपोशी शुरू कर देते हैं। तभी मॉरिसियो उन्हें बताता है कि एस्मेरल्डा मेरी और कैक्सला की बेटी है और भविष्यवाणी के अनुसार एस्मेरल्डा का सेंटेनिको पेंडेमोनियम नाम की वैम्पायर में बनना तय है। मैंने उसे 19 साल तक पाला और मैंने उसे ये भी कहा कि उसकी माँ की मौत उसे जन्म देते ही हो गई। वहीं मैंने ये सच हमेशा उससे छिपा कर रखा। जब वो यहाँ नहीं आई थी वो एक आम इंसान थी पर जब से वो यहाँ आई है वो बदल चुकी है। तभी कैथरीन के पूछने पर कि उसे उसने बचपन में क्यों नहीं मार दिया, जिस पर मॉरिसियो उसे बताता है कि जब वो बच्ची थी मैंने उसे मारने की कोशिश की थी लेकिन वो फिर से जिंदा हो जाती थी। वहीं हम देखते हैं कि सारे वैम्पायर्स एक एक कर एस्मेरल्डा का खून पीते हैं
और उसे अपने साथ ले लेते हैं। तभी जॉनी अपने जूतों में लगे चाकू की मदद से खुद को छुड़ा लेता है और बाकियों को भी खोल देता है। वही ये देख वो सारे वैम्पायर्स उन्हें रोकने के लिए आते हैं और उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और वो लोग वैम्पायर्स को मारने लगते हैं। इसी बीच कैक्सला एस्मेरेल्डा से कहती है कि अपनी दादी को आराम करने के लिए भेज दो और एस्मेरेल्डा उसका पेट चीर देती है और उसमें से कई सारे चमगादड़ बाहर निकलते हैं और इसी के साथ एस्मेरेल्डा भी एक वैम्पायर में बदल जाती है। एस्मेरेल्डा मॉरिसियो के पास आती है और उसे पिता कहकर पुकारती है। तभी मॉरिसियो कहता है कि तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें मैंने पाला है और ये तुम्हारा घर नहीं है। पर वो अचानक से मॉरिसियो पर हमला कर देती है और उसे काट लेती है। अब सिर्फ जॉनी और एम्ब्रोस ही बचे थे। वहीं ये नजारा देख वो दोनों मेन डोर की तरफ भागते हैं। तभी एस्मेरेल्डा जॉनी को रोकती है और यहाँ से जाने को मना करती है। तभी कैक्सला वहाँ आती है और वो जॉनी से कहती है कि यह एस्मेरेल्डा नहीं बल्कि सेंटेनी को पेंडेमोनियम है और ऐसा बोल वो उन दोनों पर हमला करने लगती है। तभी मॉरिसियो जो कि अभी तक पूरी तरह से वैम्पायर नहीं बना था वो मेन डोर ओपन कर देता है जिससे जॉनी और एम्ब्रोस बाहर निकल जाते हैं। मगर सूरज निकल चुका था और कैक्सला वहीं फंस जाती है और सूरज की रोशनी से वो चलने लगती है। तभी मॉरिसियो बटन दबा उसे लोहे की सलाखों में भेज देता है और कैक्सला की जलकर वहीं मौत हो जाती है। वहीं एस्मेरेल्डा भी सूरज की रोशनी से बचने के लिए अंदर ही छिप जाती है और जॉनी को आवाज लगाने लगती है और इसी के साथ बाहर का दरवाजा भी बंद हो जाता है और एस्मेरेल्डा हमेशा हमेशा के लिए अंदर ही रह जाती है। वहीं जॉनी भी पंचो विला के दल में शामिल होने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करता है और वो दोनों अपने नए सफर के लिए निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सराय के पीछे एक बहुत बड़ा मायन टेंपल है जिसमें वो सारे पिशाच रहा करते थे और यही हमें इसकी पहले फिल्म में भी दिखाया गया था। वहीं हमें इसके एंड क्रेडिट सीन में आज का समय दिखाया जाता है कि ये कहानी एम्ब्रोस बार में बैठे एक व्यक्ति को बता रहा होता है पर उस व्यक्ति को इस कहानी पर विश्वास नहीं होता। तभी प्रूफ के तौर पर वो उस आदमी के सामने एक वैम्पायर में बदल जाता है और उस आदमी को मार उसके दिल को खा जाता है। वहीं हमें ये भी पता चलता है कि बाहर भागते वक्त एम्ब्रोस को कैक्सला ने काट लिया था और वो भी एक वैम्पायर में बदल गया था और वो आज भी जिंदा है। और इसी के साथ फाइनली ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हाँ हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।